मेकअप तो कर लिया है, बट इसको कौन साफ करेगा जो झमेला घर में है। तो करती हूँ, लगती हूँ काम में। हाय गाइस, सो कैसे हैं आप सब? आज ना मेरी छुट्टी का दिन है, मतलब आई एम अ वर्किंग पर्सन, सो आज हम काम पे नहीं गए हैं। बच्चों का ख्याल रखना था तो मैं घर पे रुकी हूँ, और आज अच्छा लगता है मुझे ऐसे दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस दिन होता है जब मैं अपने वीडियो की शूटिंग करती हूँ। हाँ, सो अभी बज रहे हैं 11 o'clock, और सुबह का काम मैंने सारा कर लिया है, और अब मैं बैठूँगी थोड़ी देर अपने वीडियो को शूट करने के लिए, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा शांति चाहिए होती है, और आपको पता है बच्चों वाले घर में शांति मिलना बहुत मुश्किल काम है। अभी सब बिजी हैं अपनी क्लास में, छोटा बेबी सो रहा है, तो फिर हम अपना काम कर सकते हैं। और ये वाला मेरा जो मैं अभी खड़ी हूँ अपने लाउंज में, और यहाँ पे सब कुछ बहुत मेसी हो रखा है, मतलब मेरे आसपास इतना ज़्यादा मेसी है ना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं शूट पहले करूँ या मेस क्लियर करूँ। और मैं सोचती हूँ थोड़ा सा ना शूट पहले कर लेती हूँ, क्योंकि मेस तो उनके साथ भी क्लियर कर सकती हूँ, बट शूट में मुझे थोड़ा सा थोड़ी सी शांति चाहिए होती है। एंड गाइस, मैंने बहुत ही अच्छा अभी वीडियो शूट करने जा रही हूँ मैं। अभी तो एक वीडियो है जिसका मैंने पार्ट शूट कर लिया था कल, तो उसका इंट्रो और एंड शूट करना था मुझे। और आज मैं जो मेकअप करूँगी ना, दैट विल बी अ मेकअप चैलेंज, और वो मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पर आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, चैलेंजेस बहुत चल रहे हैं आजकल, और चैलेंजेस बहुत चल रहे हैं, और मैंने चैलेंजेस अपने चैनल पर दिखाए भी हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हम मेकअप चैलेंज करते हैं, और देखती हूँ अंडर वॉट करना का प्लान है मेरा। लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है। अभी मेरे फेस पे बहुत पसीना आ गया बिकॉज़ मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है। शूटिंग करते समय फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो इसको ऑफ करके ही मैं शूट कर सकती हूँ। और सबसे ज़्यादा ना ये जो कोविड है ना, इससे तो मेरी बहुत, मतलब मेरे को तो ऐसे लगता है ना कि इतना गुस्सा आता है ना इस पर, पता है क्यों सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? दो चीज़ों की वजह से। एक तो यार, मुझे ना पूरे मेकअप में सबसे अच्छी चीज़ लगती थी लिपस्टिक। आई लव लिपस्टिक, मतलब मेरा अगर बिल्कुल भागने वाला मेकअप होता था ना, तो उसमें मैं कुछ लगाऊँ ना लगाऊँ लिपस्टिक में लगा लेती थी। और अब मास्क की वजह से मैं लिपस्टिक ना खरीद पाती हूँ ना लगा पाती हूँ, बिकॉज मैं नहीं लगा सकती यार, बाहर मास्क आप कैसे उतार सकते हो, मुझे समझ नहीं आता। मेरा मेरा हाथ थक गया इसको पकड़े पकड़े। बहुत से लोग होते हैं जो अपने प्रोफेशनल जगह या बाकी जगहों पे मास्क, पब्लिक प्लेस पे मास्क उतार देते हैं, बट आई डोंट डू दिस गाइस, मुझे बहुत डर लगता है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, ये जो आ जाता है ना, ये इतने सारा, देखो पूरा फेस क्लियर है, और यहाँ पे अच्छा खासा एक्नेज, मासनेज, दिस मासनेज आर द मोस्ट रिडिकुलस थिंग, क्योंकि इसका पता नहीं, दे आर सो पेनफुल। मेरे को वैसे भी एक्ने की प्रॉब्लम थी, और इससे तो मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। खैर, मैं बहुत सारे ना, मैंने सोचा है कुछ जुगाड़ मैंने निकाले हैं इसके, उसके ऊपर भी मैं सोच रही एक वीडियो बनाऊं। और आप लोगों का कैसे दिन जा रहा है, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज, बिकॉज़ आज सबसे बड़ी चीज़ है मेरी नींद पूरी हुई है और मैं अब एकदम फ्रेश हूँ टू शूट। तो चलिए पहले तो हम शूट करते हैं वीडियो, और फिर देखते हैं क्या क्या काम है हमारे पास करने को। तो बने रहिए मेरे साथ। सो गाइस, शूटिंग हमारी हो चुकी है, और ये बच्चा भी जग गया है। ये बच्चा जो मोहन नाती बच्चा है, ये जग जाता है तो कुछ करने नहीं देता है ना, है कि नहीं देते आप? मम्मा को चूत नहीं करने देते? हाँ, नहीं करने दोगे आप? अच्छा, तो ना कोई करता है। अभी मेकअप मैंने रिमूव नहीं किया, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है मेकअप लगाए रखना, चेंज कर लिया था। तो आप क्या खा रहे हो? चिक्का खाना है बच्चा? अच्छा, हाय करो, हाय हाय तो कर लो, सबको हेलो कर दो ऐसे, हाय हाय करो। अच्छा, अभी आप खाने में बिजी हो। और आपका फेवरेट चीज़ क्या होती है? ये क्या होती है, दिखाना ज़रा, दिखाना दीदी, दिखाना। शौर्य की फेवरेट चीज़, शौर्य की फेवरेट चीज़ क्या होती है? वॉट इज़ दिस? ये क्या है? अम्मो। अम्मो क्या होता है? अम्मो क्या होता है? नमक। शौर्य क्या खाता है?
उफ नमक खाता है, रूखा नमक खाता है, इसको बहुत मज़ा आता है। ऐसे लीवर एक कंटेनर ले लेता है, एक कंटेनर ले लेता है नमक का और अपने मुंह में डालता रहता है। हाँ, इसको नमक खाने में मज़ा आता है, नमकीन, यू आर ए नमकीन बच्चा। इतने सीरियस क्यों बैठे हो, इतने सीरियस क्यों बैठे हो, इतने सीरियस क्यों बैठे हो? यहाँ पे बैठी है शाहरुख की दीदी एंड दीदी इज बिजी। हाय दीदी, हाय आर्या। तो शी इज़ वी आर हैविंग अ मिड टाइम स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स खा रहे हैं हम लोग। क्या खा रहे हैं शाहरुख? तो क्या खा रहे हैं शाहरुख? हम एग खा रहे हैं, एग खा रहे हैं, बॉइल्ड एग खा रहे हैं। वेरी गुड, हेल्दी फूड खाता है शाहरुख। वैसे शाहरुख को तो ना ब्रेकफास्ट हो रहा है, 2 PM पे ब्रेकफास्ट हो रहा है इस बच्चे का। ऐसे ये बच्चा सुबह सुबह उठ जाता है, लेकिन आज मम्मा घर में थी तो ये बेबी जो है ये 1 PM उठा है ना, 1 o'clock उठा है। और मम्मा कहती है रोज इतने बजे उठ जाया करो। नहीं, हम तो सुबह उठेंगे, हम तो सबको ही ला देंगे घर में, है ना, है ना। दीदी की क्लास में आ जाएंगे, क्यों आर्य की क्लास में आता है? आर्य की क्लास में बैठ के क्लास लेता है। आपकी भी क्लास होती है? उसको लगता है उसकी क्लास, अब बोल, बाबूजा। हाँ जी, अब नीचे चले गए आप, क्या कर क्या रहे हो आप? अच्छा बाय तो कर दो सबको, अरे हैंड ही नहीं दिख रहा आपका, बाय करो, बाय बाय। सो गाइस, आई एम डन विद माय वीडियो शूट, और ये है मेरा मेकअप। और ये वाला जो मेकअप चैलेंज है ये आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे आने वाले वीडियोस में। ऐसे लग रही हूँ मैं, बहुत टाइम बाद मेकअप किया यार, मतलब सच बता रही हूँ, मेकअप करना ही मुझे लगता है भूल गई क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत टाइम बाद मेकअप करती हूँ, मास्क वास्क की वजह से ना सच में मेकअप नहीं कर पाती। बट आई एम रियली इन लव विद माई मेकअप। मैंने ना लाइनर को भी ना थोड़ा टशन दिया है, थोड़ा डिफरेंट मैंने लाइनर लगाया है इस बार, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और ये इयररिंग्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, सो आई एम लविंग द होल लुक, यू कैन सी माई लुक। और मेकअप तो कर लिया है, बट इसको कौन साफ करेगा जो झमेला घर में है। तो करती हूँ, लगती हूँ काम में। सो मेकअप अभी रिमूव नहीं करी, सोच रही हूँ कुछ रील्स भी अगर मेरे को टाइम मिला तो बना लेती हूँ, लेकिन पहले थोड़ी सफाई कर ले घर की, और लाउंज को थोड़ा सा ठीक करना है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सो गाइज, हो गया मेरा काम काफ़ी हद तक ख़त्म, बट काम मतलब ख़त्म इन द सेंस घर में एक लेडी का काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, लेकिन वो जो क्लीनिनेस का था वो मैंने कर दिया है। यस, इतनी मेहनती हूँ ना मैं, आई थिंक सारी मम्मीज और सारी लेडीज मेहनती हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो अब क्या करें, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, कुछ अभी थोड़ा सा है टाइम मेरे पास, कुछ बातें करते हैं, फिर घर के कामों में फिर से लग जाएंगे। थोड़ा सा सोचती हूँ मैं एडिटिंग भी कर लूँ, मैंने एडिटिंग का अपना पूरा सेटअप चेंज कर रखा है। पहले मैं DSLR से शूट करती थी, उसके बाद मैं लैपटॉप पे एडिट करती थी, अब मैंने बहुत ही इजी बिजी तरीका बना लिया है एडिट करने का। अगर जो न्यू बिगनर्स हैं, जो बिगनर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि मैं कैसे शूट करती हूँ, कैसे एडिट करती हूँ ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं बताऊंगी आपको। सो और मेरे को बहुत ज़्यादा एक रिक्वेस्ट काफ़ी बार आ चुकी है, उस पर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, एक की वेट लॉस जर्नी, बिकॉज हाँ मैंने वेट लॉस किया है। एक्चुअली बेबी बर्थ के बाद वेट आपका बढ़ जाता है, बट मुझे ज़्यादा फोकस था कि मेरे बच्चे की हेल्थ सही होनी चाहिए, वो तभी होगी जब मैं अपना इंटेक अच्छा रखूँगी। तो मैंने अपना इंटेक अच्छा रखा, बिकॉज मुझे पता था मैं पहले भी वेट लॉस कर चुकी हूँ, तो वेट लॉस हो जाता है, थोड़ी सी शिद्दत की ज़रूरत है। आई थिंक फ्यूचर में उस पर भी एक वीडियो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी।